हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दो स्पेशल डायोड पीएन जंक्शन हमारे पेंडिंग थे। लास्ट वीडियो में आपने जीनर डायोड और फोटो डायोड किया, दो हमारे पास पेंडिंग रह गए। एक है ये लाइट एमिटेड डायोड और दूसरा हमारे पास सोलर सेल रह जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया था, चार हमारे पास टोटल डायोड हैं। जो दो हमने पहली वीडियो में स्टडी किए वो दोनों रिवर्स बायस थे, जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो दोनों जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेंगे। और फॉरवर्ड बायस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी आ जानी चाहिए कि एक तो फॉरवर्ड बायस में करंट रहता है और डिप्लीशन लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाती है, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और फॉरवर्ड बायस में पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एक सिंपली फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है जो लाइट एमिट करता है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एलईडी, और एलईडी आप लोगों के लिए बहुत कॉमन वर्ड है आज के टाइम में। आप घरों में बल्ब की जगह अब जो वाइट कलर की रोशनी देने वाला बल्ब लगा देते हो उसको आप एलईडी ही बोलते हो। अगर आप उसका जो ऊपर की वाइट कलर की स्क्रीन सी है गोल, उसको खोल के देखोगे तो अंदर छोटी छोटी एलईडी लगी हुई मिलेंगी। छोटी छोटी एलईडी का मीनिंग है कि एक से ज्यादा लाइट एमिटेड डायोड आपको मिलेगा। ऐसा डायोड जो अपने में से लाइट निकाल रहा है और उसको फर्दर हम यूज कर रहे हैं। ऐसा यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर लाइट निकल रही है? कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट क्या किया है, फॉरवर्ड बायसिंग की है। फॉरवर्ड बायसिंग करने की वजह से एकदम से बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल मिला पी टाइप को, बहुत नेगेटिव मिला एन टाइप को, और चार्ज कैरियर आपस में बहुत ज़्यादा स्पीड में डिफ्यूज हो गए। एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से जाके डिफ्यूज हो गया, और जब भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से भिड़ता है तो एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती है जब वो न्यूट्रल होते हैं, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में यहाँ बाहर आ रही है, लाइट के फॉर्म में बाहर आ रही है। इतना सा कंसेप्ट है इसका। तो इट इज़ अ सिंपली फॉरवर्ड बायस डायोड। अच्छा, पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल मैं आपको बना के दिखा दूँ इसका। क्योंकि लाइट इसमें से बाहर जा रही है तो हमने इसका सिंबल जो है वो एरो का निशान बाहर की तरफ बनाया है। इससे पहले जो हमने डायोड किया था फोटो डायोड, उसमें इन रेज का जो साइन था वो अंदर की तरफ था क्योंकि लाइट उसमें आ रही थी। और जो ब्लॉक डायग्राम रहेगा वो कुछ ऐसा होता है इसका। ऊपर पी टाइप है हमारे पास, हमने इस बार डायग्राम जो है वर्टिकल शेप में बनाया है, हॉरिजॉन्टल बनाने के बजाय। पहले हम पी इधर लेते थे, एन उधर लेते थे, इस बार ये एन टाइप हो गया, ये हमारे पास पी टाइप हो गया। इस तरीके से हमने बनाया, और यहाँ से आपको रेडिएशन जो है वो नजर आ जाएगी। इस सर्किट को फिर आप जोड़ देते हो एक्सटर्नल डिवाइस से, जैसे कि यहाँ से अगर आपने वायर निकाली तो P को पॉजिटिव से और N को आपने नेगेटिव से जोड़ दिया। कंट्रोलिंग के लिए बीच में लियो स्टेट या रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है ताकि निकलने वाली जो हीट है या जो करंट फ्लो हो रहा है उसको एक लिमिट से कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमारे पास कनेक्शन रहता है पीएन डायोड का। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए, इट इज सिंपली फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स लाइट, जो अपने में से लाइट को एमिट करता है। ये जो क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे अब तक हमने जितने डायोड पढ़े सेमीकंडक्टर की बात की तो आप जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करते हो, लेकिन जब बात आती है एलईडी की तो आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं एलईडी बनाने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए या तो गैलियम आर्सेनाइड या फिर इंडियम फॉस्फाइड। ये दो मटेरियल ऐसे हैं जिनको सिर्फ यूज़ किया जाता है एलईडी बनाने के लिए। इनके अंदर बहुत स्पीड से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, और ज़्यादा हमारे पास जो है वो करंट आता है, रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस होता है यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का। तो आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स लाइक
गैलियम और इंडियम फॉस्फाइड आर यूज्ड टू मेक एलईडी। इनको यूज किया जाता है बनाने के लिए। और जो वर्किंग है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि जैसे ही आप बी को पॉजिटिव से जोड़ोगे एन को नेगेटिव से जोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी कि होल यहाँ से लेयर की तरफ डिफ्यूज होंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज कैरियर लेयर की तरफ डिफ्यूज होंगे, मूव करेंगे और आपस में जब इनका रिकॉम्बिनेशन होगा, आपस में जब ये टकराएंगे डिफ्यूज होंगे तो वहाँ पर जो है वो एनर्जी निकलेगी और वो किस फॉर्म में निकलती है, यहाँ पर हीट की फॉर्म में निकलती है। वर्किंग जो है इनकी यही है जो आपने स्टडी कर लेनी है, सेम मैंने बताया था आपको। आपको जनरली सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग ही लिखनी होती है यहाँ पर, क्योंकि सारा काम तो डायोड का था। डायोड जो है वो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है जिसकी रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग हम पहले कर चुके हैं। जो नई चीज़ होती है वो होता है आपके पास डायग्राम, सर्किट सिंबल, नाम, उसको जोड़ा कैसे गया ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ हमने एक चीज़ और यहाँ पे बता दी कि कौन से पर्टिकुलर मटेरियल यूज़ किए जाते हैं एलईडी को बनाने के लिए, तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। इसके अलावा कैलकुलेटर और जो डिजिटल वॉचेज होती हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है एलईडी लाइट्स का, तो यूज़ इसका बहुत कॉमन है। आप सबको पता है एलईडी लाइट का, कहीं सिग्नल के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं, कहीं पे अलार्म के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, कहीं अलार्म बजता है तो साथ में एक एलईडी लाइट भी ऑन हो जाती है। अच्छा, फिर बच्चे ये पूछते हैं जी एलईडी जो है वो सिर्फ वाइट कलर की तो होती नहीं, अलग अलग कलर की भी होती है, तो क्या एक इसी से हो जाएगा? नहीं, आपको अगर कलर अलग अलग चाहिए तो उसके हिसाब से फिर मटेरियल भी अलग अलग चूज करना पड़ता है। अगर आपको लाल कलर की एलईडी का ऑन चाहिए तो उसके लिए अलग मटेरियल होता है, तो मटेरियल बेस्ड डायोड है ये, इसलिए यहाँ स्पेशली मटेरियल लिखा हुआ है। ये जो मटेरियल है ये तो वाइट के हैं, अगर आपको कलर चाहिए तो उसके हिसाब से आप सर्च जब करोगे तो कलर वाइज जो है आपको नेम्स मिल जाएंगे कि इस मटेरियल का, अगर आप पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं इस मटेरियल के, अगर आप सेमी कंडक्टर लेते हैं तो आपके पास इस कलर की लाइट वहाँ से निकलने वाली है। तो ये आपको याद रहे कि कलर के केस में जो है आपको कलर ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड ऑन सेमी कंडक्टर मटेरियल, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर कलर ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। आप सेमी कंडक्टर किस टाइप का मटेरियल ले रहे हो वो बताएगा आपको कैसा कलर उस लाइट का बाहर आने वाला है। तो ये हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड था। लास्ट डायोड जो हमारे पास है जिसे हम स्टडी करेंगे वो है सोलर सेल। ये भी नाम आपके लिए कोई नया नहीं है, सोलर सेल सबने पढ़ा है। सोलर सेल क्या होते हैं? जनरली हमने सोलर पैनल देखे हैं जो सोलर सेल का कॉम्बिनेशन होते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जब सन की लाइट इनके ऊपर आकर गिरती है तो ये उस लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हम क्या कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं घर में उनको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो कैसे रही है, देखिए सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये फॉरवर्ड बायस है। दूसरी बात आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, तो जो इसका सिंबल है वो है हमारे पास ये हमारे पास सोलर सेल का सिंबल है, सबसे यूनिक सिंबल है क्योंकि इसके सिंबल में आपको पीएन जंक्शन डायोड भी दिखाई देता। पहले जो तीन सिंबल थे सब में जो है वो जंक्शन डायोड वाला ट्रायंगल आपको दिखाई देता है, लेकिन सोलर सेल के सिंबल में नहीं दिखाई देता। यही रीजन है ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है आपसे कि सोलर सेल का सिंबल सर्किट सिंबल बना के दिखाइए, तो ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। जंक्शन डायोड है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए इट इज अ जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल है इसका फॉरवर्ड बायसिंग, या फिर आप ये कह सकते हो फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट या सेल, जो आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, वही सेम चीज है कि वोल्टेज पैदा होती है कब, जब लाइट के फोटोन यहाँ पर पहुंचते हैं। सोलर रेडिएशन का मीनिंग है कि इस पे सन की रेज आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं फोटोन अपनी एनर्जी लेके आते हैं, वो एनर्जी जो बम्बार्डमेंट की जा रही है वो फॉरवर्ड बायसिंग है, तो यानी कि जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनको दी जा रही है, फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं उस एनर्जी की हेल्प से, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, और करंट उससे और ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे पास। एक चीज़ जो पूछते हैं बच्चे वो ये कि पीएन डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ऑलरेडी करंट होता है हमारे पास, तो फिर हमें सोलर सेल की यानी कि सोलर रेडिएशन और ज़्यादा उसके ऊपर गिरवाने की क्या ज़रूरत है, इसको तो हम रिवर्स बायस में कर लेते तो एटलीस्ट वहाँ करंट मिल जाता क्योंकि वहाँ करंट नहीं मिलता। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो आप सिंपल डोपिंग करते हो और बैटरी लगाते हो, उस बैटरी से आप फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो कराते हो, तो बैटरी भी क्या एक तरीके से आपका रिसोर्स ही तो है, आप खुद से ही रिसोर्स लगा रहे हो करंट फ्लो कराने के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पर आपको बैटरी को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको करंट बढ़ाना है, सिंपल में तो आपको बैटरी बड़ी करनी पड़ेगी फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप करंट ज़्यादा करना चाहते हो। यहाँ आप बैटरी को तो एक लिमिट तक रखते हो जस्ट टू कन्फर्म डैट कि पी टाइप इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव, डैट मीन्स वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट इन फॉरवर्ड बायस, सिर्फ ये कन्फर्म करना होता है, बाकी का सारा काम जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए एक्स्ट्रा करंट के लिए वो यहाँ पर कौन देता है, सोलर सेल देता है हमारे पास। तो जो इसका डायग्राम है वो किस टाइप का होता है वो देखिए, इसका भी डायग्राम वर्टिकल फॉर्म में होता है, एक नई वर्ड आपको यहाँ सुनने को मिलेगा इसके डायग्राम में, ये है पी टाइप, ये है एम टाइप, ये जो ऊपर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड का मीनिंग ये है कि इसमें पी टाइप का पोर्शन थोड़ा कम रखा जाता है वो इसलिए, और इसके अंदर भी जो है ना वो मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं ऐसे कनेक्शन में, उसका मीनिंग ये होता है कि अगर सन की रेज जो ऊपर से आके गिर रही है उस सन की रेज की एनर्जी इस जंक्शन तक पहुंच सके उसके लिए मेटल फिंगर का मीनिंग है कि पतली सी मेटल्स की प्लेट लगाई हुई है जो आगे कंडक्ट करा देगी करंट को आगे पास कराने के लिए, जितनी ज़्यादा लाइट इस जंक्शन तक पहुंचेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उतना ज़्यादा करंट जो है वो आपको मिलेगा सर्किट में। तो ये जो है ऊपर ये तो ग्लास है जो ग्लास लगाया जाता है, और उसके बाद ये जो है वो मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड है आपके पास जो उस एनर्जी को जंक्शन तक पहुंचने में हेल्प करती है, और फिर फर्दर इस सर्किट को जोड़ दिया जाता है इसको नेगेटिव टर्मिनल से और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, एक रजिस्टर इसमें लगा दिया जाता है। तो ये रहेगा इसका ब्लॉक डायग्राम हमारे पास, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये पी टाइप है पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव से हमने जोड़ दिया, और बीच में एक रजिस्टर लगा लो आप, तो ये सर्किट जो है हमारे पास इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात आपको बताई थी, ये भी सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है हमारे पास, थिन लेयर हमने यहाँ पर पी की जो है वो एन के साथ डिफ्यूज की है, एन की लेयर ज़्यादा बड़ी है पी की लेयर यहाँ पर कम है ताकि रे जो है इजिली क्रॉस करते हुए कहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ पर जंक्शन तक पहुँच जाए हमारे पास, यानी कि डिप्लीशन लेयर तक पहुँच जाए, जिसको वो रिड्यूस करके करंट को बढ़वाते। वर्किंग आपको मैंने यहाँ बताई थी, अब क्या होगी कि जैसे ही सन की रेज यहाँ पर आएंगी ग्लास पे गिरेंगी उसके बाद वो मेटल फिंगर्स की हेल्प से जंक्शन पे पहुँच जाएंगी, और जंक्शन पे पहुँचने के बाद वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगी ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो होल पेयर है वो जनरेट होंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज करेंगे जिससे करंट पैदा होगा, और वो करंट जो है आप यूज़ करते हो अपने घर के अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए। सोलर सेल का यूज़ अब आपको पता ही है कि जितने भी आप देखते हो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं जितनी भी रेड लाइट लगी होती हैं इनका बिजली के साथ कनेक्शन नहीं होता, ये सारी सोलर पैनल पे ही चलती हैं। अब आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट है वो भी ऐसी हो गई हैं कि जो है एक खंभे के ऊपर एक छोटा सा सोलर प्लेट लगा दी जाती है, वो दिन में चार्ज होती है और रात को वो जो स्ट्रीट लाइट है वो अपने आप ऑन हो जाती है।
तो जो यूज है वो सारा आपके सामने है। इसके अलावा आप बैटरी में भी एनर्जी स्टोर करते हो सोलर पैनल की हेल्प से, जो घरों में बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं उसकी एनर्जी को हम बैटरी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद रात को या जब भी हमें जरूरत पड़ती है उन बैटरियों की हेल्प से हम दूसरे जो आपके डिवाइसेज हैं उनको ऑपरेट करवा लेते हैं। तो सोलर सेल का यूज़ आप सबको पता है इजिली कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। करंट जो है वो ध्यान रहे कि जो ग्राफ बनेगा अगर ये इंटेंसिटी है और ये आपके पास करंट है तो ग्राफ ऐसा होता है। इंटेंसिटी के करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आपने 7th यूनिट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ही पढ़ लिया था। लेकिन डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होने की बजाय यहाँ से इसलिए स्टार्ट है कि एकदम से जब फोटोन या रेडिएशन गिरती है तो एकदम से बाहर नहीं आते किसी भी सरफेस से वो, क्योंकि वर्क फंक्शन एक टर्म आपको समझाई गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि कुछ हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस। तो कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी स्टार्टिंग की कंज्यूम होती है उस वर्क फंक्शन की वैल्यू को ओवरकम करने के लिए, उसके बाद जो है वो करंट फ्लो होता है और फिर इनका डायग्राम जो है वो क्या हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला डायग्राम आ जाता है। तो ये हमारे पास दो डायोड थे आज, एक था आपके पास LED और सेकंड वन था सोलर सेल। ये आपने अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना है।